चैलेंज, स्वागत आप सभी का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी दिवाली। थोड़ा सा लेट हो चुके क्योंकि आज सुबह सुबह ना बहुत सारा काम था, मतलब आंगन वगैरह साफ करना, बहुत सारा काम हो गया, तो अभी थोड़ा सा लेट हो गए। अभी हम तो बस अभी हम जा रहे हैं, मैं और भाभी सा मंदिर, तो प्लीज ब्लॉग को एंड तक जरूर देखें। आओ सा आओ, चलो चलो। दक्ष चल रहे हो क्या? जय भोलेनाथ। मंदिर को दिखाओ। पूजा करते हैं आप। ड्रेस लेके आए आज पार्वती माता के लिए, हमने साफ सफाई कर लिया यहाँ की, अब हम कर रहे हैं पूजा के लिए। ये ड्रेस तभी तो आज पहनाई गई है ये। तो गाइस हमारी पूजा हो गई है, पार्वती जी माता की ड्रेस देखिए। तो गाइस मंदिर जाके आ चुके हैं। तो गाइस दिखाती हूँ, इस बार ना मैं रंगोली नहीं, फूलों वाली बनाऊंगी रंगोली, ना कि कलर वाली, क्योंकि कलर में यार टाइम भी लगता है, वो अच्छी बनती भी नहीं मेरे को। इसमें क्या है? अच्छा ये गुलाब के हैं। इसमें तो पापा मेरे लिए इतने सारे फूल लेके आए हैं, इसका देखो कैसे क्या बनाती हूँ मैं। अभी तो मुझे मैंने सोचा नहीं है। ऊपर की तरफ मैंने आर्टिफिशियल मालाएं लगा दी है और यहाँ पे मैं दिए रखने के लिए छोटे छोटे गोल गोल से बना रही हूँ फूल से। तो देख सकते हो आप, थोड़े से फूलों को मैंने तोड़ लिया है और यहाँ पे बना रही हूँ स्वास्तिक, क्योंकि मैंने इस बार सोचा कि कलर से नहीं करेंगे, फूलों का ही करते हैं, क्योंकि कलर से हर बार ही करते ही हैं रंगोली वगैरह, उसमें टाइम भी बहुत लगता है, फूलों से मुझे लगता है टाइम कम लगता है। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ और कुछ फूलों को मैंने तोड़ लिया जो स्वास्तिक के अंदर की तरफ हम लगा देंगे। और दादी साहब बैठे बैठे मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर मैं बीच में फूल डाल दूंगी। और ये सारा जो शूट था मैंने ट्राइपॉड से किया, तो पापा ऐसे देख रहे कि चालू है या नहीं ये वीडियो। तो देख सकते हैं हमारा स्वास्तिक बन चुका है। यार फूलों का आइडिया मेरे को सही लगा कि इससे फटाफट हो जाता है, तो कलर से बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो गाइस ये बन चुका है, मेरे फूल बच गए, तो मैं इनके सोच रही हूँ कि माला बना लूं, मतलब माला बना के आगे तो लगा देंगे, तो मैं ना इनकी माला बनाऊंगी, यहाँ पे लगानी है। देखिए गाइस मैंने लगा दिया दोनों, फिर मैंने सोचा छोटी छोटी रंगोली भी बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना दो तो बना दी और तीसरे का सोच रही हूँ कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। देखो फूलों से रंगोली ये बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, पर मांडने का सगुन होता है कि मांडना तो हमें बनाना ही होता है त्योहार पर, तो बस ये मांडना बना रही हूँ मैं। और फिर मैंने सोचा सारे दिए पहले ही रख देते हैं छत पे, उसके बाद है ना दियापति करके आके फिर जला देंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल डाल के सारे दिए सेट कर दिए, क्योंकि मैं फिर दियापति करने। तो गाइस हम जा रहे हैं शिव जी महाराज के दियापति करने के लिए, तो चलते हैं, आज थोड़े लेट हो गए तो बस फटाफट चल के आते हैं, तो चलते हैं। दक्ष बिना बाइक के गाड़ी चलाते हो, लेट हो गए, देखो अंधेरा हो गया, चलो फटाफट। सो गाइस हम यहाँ पे कर रहे हैं कर मैं चलता यार। ठीक है ठीक है, क्या हुआ? जी जी तो सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, देखिए तो सोते हैं रेडी, छत पे चढ़ा दिया, जाऊं मैं। पापा जला रहे हैं दिए और मैं उधर चलाती हूँ। तो दिए जल चुके हैं, पहले रख दिए थे ना इसलिए बस अभी ना उन्हें जलाया जलाया ये बस, और बस उधर की साइड और जलाने हैं। और ये देखिए निकेसी के भी सबने लगा दिए दिए, तो अभी होते हैं रेडी, मैं उधर लगा के आती हूँ थोड़े से। बस रेडी हो चुके हैं और अभी करते हैं पूजा, तो चलते इस ड्रेस पे ना, वैसे ये वाला नहीं करना तो एक बन बनाना चाहिए था हेयर स्टाइल का, बट मेरे को हेयर स्टाइल ही बनानी नहीं आती है, आप सबको पता ही है, तो ऐसे ही बना ली जो हर रोज बनाते हैं। अभी चलते हैं, देखिए सारा फाइनल दिखा देती हूँ आप सबको जो मैंने आज डेकोरेट किया है दिवाली के लिए। ये देखिए गाइस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ना आगे की तरफ कौन सा होता है पीछे की तरफ कौन सा होता है, तो ये जो अंगुलियां सी बनाई हुई ना ये आगे की तरफ होती है, मतलब भगवान के पैर होते हैं ये जो आगे की तरफ आ रहे हैं, और हाँ तो होते ही है पैर, बिट्टू हंस क्यों रहा है।
और ये जो तिकोना साइड होता है ना वो पीछे की तरफ होता है। वाओ ये तो गया। और ये देखिए गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मोनू शेखावत के ब्लॉग में। मोन दीदी अच्छे से टीका निकालती है इसलिए इसको टीका स्पेशलिस्ट कहते हैं। मोन दीदी को मेरे निकाला। ये देखिए कुछ अमन से एक स्नैप सीख के आया, बस आ गया तब से स्नैप स्नैप स्नैप। जय माता लक्ष्मी की। जो लो बंदूक किताब दे, चंद्र माधावते नारद शिति गाथा, ओम जय लक्ष्मी मात। सीएन फोन करूं? हाँ दोप लगाएंगे भी सबको। वाह कहीं एक लगा तो ब्लॉग में डला दे तेरे ब्लॉग को, गुणे फैन फॉलोइंग में। ओहो वाह, ओबेसिटी वाह, तेरे ब्लॉग हो ये मेरी फैन फॉलो। थैंक यू बोस्ट। ओह माय गॉड, डॉग डॉग बस अब डॉग बस अब पगला लगो। बड़ी मम्मी डॉग से, बड़ी मम्मी ने भी जो कर ली, बड़ी मम्मी दो घर बार मिलो। सो गाइस अभी हम निकेश जी के घर पे जाएंगे। रुको 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 रुको, पहले हम लोगों को आने दो। कमेंटेटर साथ में पार देंगे। हाय गाइस, आईपीएल रिटेंशन निकेश जी दो कौन किस मारे खुश मुंडा पर आओ सी। तो सही बता, बता दूं आ जाओ पीछे। चलो सो गाइस पटाके पटाके भाई, मैंने फोटो लेने का सोच रहे। कहा रुचिका का? हाँ तो कहाँ पे? जहाँ पे लाइट आती है। अरे वो लाइट है हमारे घर पे। अरे हमारे घर पे चलते हैं। आ जाओ घर खींचा करो फोटो बाहर खटे तो फोटो मतलब इमोशन अच्छी को नहीं गुट्टू समय फिर तक पहुँच। चलो 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 लाइट में बता रही हूँ बड़ी चालू थे। हाँ लाइट भी साइड बढ़िया है। फैक्ट्री फैक्ट्री बुला ले गए। अच्छा लोग है ना, फिर ठीक है। चलो आ जाओ फोटो खींचते हैं। उस कमरे में सब शिफ्ट हो गए। आ गई आ गई आ गई आ गई गाइस, क्या हो रहा है इधर? गाइस फोटोशूट हो रहा है इधर रुचिका के द्वारा। यार सामने देखो गाइस, सामने देखो कैमरा का। ये देखिए आईफोन एक दो चीज स्माइल, अलग अलग वेरिएशन। यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है गाइस। काय क्यों बचा? पतला भी बनी पतला तो नहीं नहीं, अब जिम जा रहे हैं ना। अरे यार मैं इसके साथ में फोटो खींचना चाहती हूँ बट कोई फोटो खींचने वाला नहीं है गाइस। अब लोग तो जा रहे हो यार, छोड़ो हो गई फोटो। देखिए गाइस भाई 10 सेकंड। अच्छा अभी फोटो क्लिक खींचते इसलिए लगा रखा था। हो गई हो गई हो गई हो गई। चलो चलो, अरे वो चल रहे भाभी सा के घर, उधर चलते हैं जो। ठीक है चलो आओ। व्हाट एन आइडिया सर जी, सही नहीं है आपकी रंगोली गाइस। इनकी बातें खत्म नहीं हो रही है, चलो चलते अपन। ये देखिए गाइस बंद करो, मैं तो आई हूँ आपने बंद कर दिया। फोटो खींचो इनकी। खुश रहो मोनी। दक्षी की साइकिल के निकलेगा अभी तिलक। चलो दक्षी। ओहो दक्षी इधर आ। चलो पता कौन वो लाइन वाला पटाखा बहुत जोर का, वो मत बोलना। कौन? मैं तो वही फोड़ूंगी। वो
तो ज्यादा खतरनाक ऐसे करते जल जाएगा, पकड़े लोगे तो धमाका बनेगा। अरे चलो फोड़ते हैं, लेके आओ लो, वो लेके आते हैं, फोड़ते आ जाओ। अरे जोर का है, दिखाओ मन भी दिखाओ। फैमिली में बर्थ भी आ जाए। अरे नहीं तो यही रहे घर पे, तू क्या करेगा? क्यों यो क्यों नहीं जाएगा? कहीं घर से नहीं, चलो चलो अपन चलते हैं, चलो कुछ नहीं जाएगा, ये जाएगा, चलो मुंह उतार दियो, चलो चलो चलेंगे अपन सब चलेंगे। सुबह से फटाखा ले रहे क्या? मोनू बुआ फोड़ते हैं, मोनू बुआ फोड़ते हैं। दक्षी फोड़ने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए। अरे लाइट जला दो ना, आजो। वाओ छोटे छोटे अच्छा लग रहा है, धोख गया हूँ। पटाखे फोड़ेंगे बेटा, चलो अभी फोड़ेंगे बेटा, चलो। अरे कब तक पकड़े रहो? तो ये ना छोटे वाले नहीं, ये दो तीन फोड़ेंगे अपन बस। मैं सा धोख लगा, इधर से पकड़ो, इधर से फटाके। फिर हमने दक्ष के सारे फटाके फोड़े। आप भी तो सेलिब्रेट करो। मैं भी सेलिब्रेट करूं? चलो मैं भी निकालती हूँ। टिकटी सारे ले ली क्या आपने? ठीक है चलो, छोटा वाला ये रहा, छोटा वाला ठीक है। चले अब मैं आ रही हूँ दक्ष। गाइस देखिए भाभी सर रोटी बना रहे हैं अभी। बाय गाइस हम चलते हैं। कुछ लोग आज, कुछ लोग कल। ठीक है दक्षी, बहुत है खुश, वो इतना सेलिब्रेट कर लिए बहुत है अभी। ठीक हाँ पक्का ले, ठीक है जाऊँ मैं। बहुत ही अच्छी डेकोरेटिंग, थैंक यू मोहन जी की। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू। लो डॉग एंड हैप्पी दीप। तो हमेशा से ही होता है कि पूजा करने के बाद ना, मतलब बाइक वगैरह जो भी होता है घर में, उनके तिलक, उनकी पूजा होती है। तो बस मैंने पापा के यहाँ पे बाइक के तिलक निकाला और आगे की तरफ एक दिया रखा है, मोली बांध रही हूँ, उसके बाद स्कूटी के बांधेंगे मेरी स्कूटी को। उसके बाद पटाखे जलाए और खाना वाना खाया। इस वीडियो का यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।